99.12 वागोस, 99.12 रेडियो फ्रीक्वेंसी। चेक ठीक है, 99.1 चेक, जीएसएफ चेक, चेक, एमजी चेक, चेक, प्रोफेशनल चेक, 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 रिगार्ड्स चेक, रेड माफिया चेक, 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 कोई और फैमिली है? Sons of Anarchy, SOA, SOA check, O'Neil, check, O'Neil, do we have O'Neils? No, O'Neils are just walking in. Which one? That's my question even. O'Neils. Asli walo. 99.12. Yeh bhi theek hai. Paisa walo bol rahe hain. Kaun sa sendi? पूछना पड़ता है भाई। इस पे भी दूसरा वाले आ गए क्या? जग्गू ज्वाइन दी रेडियो, ज्वाइन दी रेडियो, चेक चेक, ओके भाई, नो नीड टू डू चेक। पुलिस वाला उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी बता दीजिएगा। श्योर इधर आ जाओ, ईगल और कोई आने वाला है? और कोई फैमिली बची है? मायंस का कोई है? तो किया था पर अभी तक नहीं है। पांच मिनट और वेट करेंगे बॉस। अल्हम्दुलिल्लाह। रेडियो पे आवाज आ रही है। तो जाके चेक करो कौन बच्चे आए हैं यहाँ पे। उसको बोलो गाड़ी स्टेज पे ले आए। अभी उसको ऑटो एक्सपो खिलाते हैं स्टेज पे। बाकी लोग पागल हैं जो पार्किंग में गाड़ी लगाए। ओके मैंस, रास्ता ही ब्लॉक कर दिया है, बिल्कुल लखन ही नहीं है। हेलो ब्रो, गन अंदर डाल, गन 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 अंदर डाल। बॉयज एंड गर्ल्स, मैं आप लोगों को कुछ बात बताना चाहता हूँ, शायद पसंद आए ना पसंद आए मेरे को नहीं फर्क पड़ता, ठीक है? मुझे आप लोग से सिर्फ एक ही रिलेशन रखना है, दैट इज दैट बिजनेस वाला थिंग, ठीक है? बिजनेस देना, बिजनेस लेना और बिजनेस की हैंडलिंग कैसे करना है वो सारी चीज आप लोग के ऊपर निर्भर करती है। बट मैं इतना समझ सकता हूँ, अगर मैंने किसी को कोई भी बिजनेस दिया है तो उस बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी डाउट आता है, जो भी सवाल आते हैं, वो आप मेरे पास आएंगे लेके, ना कि उनके बिजनेस में जाके उंगली करके या जबरदस्ती खून की नदियां बहा के आप उस बिजनेस को बिजनेस नहीं रखेंगे, पता नहीं क्या ही रखेंगे। तो मैं एक चीज आज की मीटिंग में मैं सबसे सामने ये चीज क्लियर कर देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कल को आप मेरे ऊपर आते हैं या मेरे पे चढ़ते हैं या मेरे को मारने का प्लान लेके आते हैं, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इनफैक्ट खुश हूंगा कि मेरे लिए अब शहर में कॉम्पिटिशन आया। बट मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या आप मेरी जगह लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप हैं बेशक आइए, अगर नहीं तो सोच समझ के आइएगा, क्योंकि मैं आज आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। आज आप लोग देख सकते हैं आपके बीच में एक फैमिली नहीं है, दैट इज नो इक्विपमेंट रेड। कुछ देर पहले ही मेरे को उन्हीं के में से किसी फैमिली मेंबर्स ने चुनौती दी है, ठीक है? तो मैं अभी के अभी आप लोग को एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई उनसे खास संबंधी रखता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है मीटिंग अटेंड करना, क्योंकि मैं उनके ऊपर एक क्लियर बाउंड्री रेस करने वाला हूं, बहुत क्लियर सा। और ये बाउंड्री मैं उन लोग के ऊपर तो सबसे पहले दूंगा जिनके पास कोई टर्फ नहीं है,
है जिनके पास कोई भी बिजनेस नहीं, ठीक है, और बात रहती है जो भी बाकी बिजनेसेस हैं, ठीक है। अगर आप लोग को या अगर आप लोग का कुछ भी लेना देना है चॉप शॉप से, आपकी कोई भी डीलिंग हुई है, अगर आपका कोई नुकसान हुआ है उसकी वजह से, ठीक है, तो आप मेरे को बताएंगे अपने डार्क मेल में और उसका समाधान मैं निकाल के आपको दूंगा। इतनी सी सबको समझ में आई है? यस सर। यप यप। ठीक है, मैं एक और चीज आज से इनिशिएट कर देता हूं। मेरे को नहीं पता कोई एक नई फैमिली शहर में आई है और डेली का डेली मार धाड़ कर रही है, डेली का डेली कोकफील में पुलिस जा रही है और कुछ कुछ हो रहा है, मेरे को नहीं पता वो कौन है। जो फैमिली सबसे पहले उनका डिटेल निकाल के मेरे को देती है, सब परिवार कहाँ रहते हैं, क्या चीज रहते हैं, सबसे पहले जो लाके देती है उसको मैं अपने तरफ से एक स्पेशल रिवॉर्ड दूंगा। वो रिवॉर्ड छोटा मोटा नहीं होगा, माइंस के पास ऑलरेडी कुछ कंसाइनमेंट्स आ गए होंगे, माइंस ने आपको दिखाया होगा, समथिंग सिमिलर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट यस, मेरे को सिर्फ उनसे मतलब है, वो कौन आके गंद फैला के जा रहे हैं शहर में, मेरे को ये जानना है। दूसरी चीज, अगर मैंने बहुत पहले एक बार बोला था, अगर कभी भी आपकी दो फैमिलीज के बीच में मंसला होता है, कुछ भी ऊंच नीच होती है, तो कृपया करके दिमाग लगा के पहले नियम कानून डिसाइड कर लीजिए। ये नहीं चाहिए मेरे को आज से कि साला कोई भी मीटिंग में गया, वहां जाके लड़ाई पीट चालू हो गई, मारकाट चालू हो गई है, किसी के इलाके में जाके गोलीबारी चल रही है, किसी घर में गोलीबारी चल रही है, ये सारी चीज मेरे को नहीं चाहिए आज से। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोग की लड़ाइयों में फायदा तीसरे पार्टी का हो रहा है जो है शहर के ठुल्लों का, ठीक है। शहर के ठुल्लो आप लोग की लड़ाई का फायदा उठाते हुए अपने आप को सर्वशाली शक्तिमान समझने लगे हैं, उस चीज का खौफ आप लोग को भी होना चाहिए। ये चीज मैंने बहुत पहले ही बताई थी, अफसोसजनक, लेकिन अभी तक कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आई है। और हाँ, आज से अगर मान लो किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है के भी बिजनेस में या व्यापार में, अगर उनसे डील अच्छी नहीं होती है, ये चीज नहीं होती है, तो मेरे को एक चीज ये बता दूं आपको कि कोई भी सीधे ऐसे मारकाट के लिए नहीं उतरेगा। एक पूरा, जैसे आज हम लोग ने एक मीटिंग की है, अगली मीटिंग होगी सारे गैंग लीडर्स की, और उसके हिसाब से, क्योंकि बिजनेस आप लोग का कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग है, कुछ ना कुछ इंटरलिंकिंग है, आपको भी इफेक्ट पड़ सकता है, हमको भी इफेक्ट पड़ सकता है, ये सारी चीज होगी। सबके सामने पक्ष रखा जाएगा, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि वागोस वालों को दिक्कत आती है बालास वालों के साथ, तो वागोस का लीडर और बालास का लीडर आके हमें बताएगा कि क्या रीजन है, और बाकी सारी जो भी फैमिली और गैंग के लीडर्स रहेंगे वहां पे प्रेजेंट रहेंगे और अपना ओपिनियन स्टेट करेंगे, और जैसा ही ओपिनियन होता है उसके बाद कंक्लूजन निकलेगा कि लड़ाई होगी उस पर्टिकुलर टर्फ के लिए कि नहीं होगी। अगर मैं नहीं आ पाता हूँ तो ये उन दोनों फैमिलीज का काम है कि ये चीज आपस में वर्क करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे एब्सेंस में हो तो कोई लड़ाई जबरदस्ती रुक गया, कोई मसला अगर इतना ज्यादा सीरियस है तो उसका कुछ इशू आए। और चौथी, पता नहीं मैंने कितने पॉइंट बोल दिए, मेरे को याद नहीं, बट मैंने आज तक किसी भी फैमिलीज को नहीं देखा है कि आपस में डीलिंग करते हुए, सिर्फ डीलिंग क्या होती है, गन दे दो ठीक है, ये दे दो ठीक है। व्यापार मैंने सिर्फ उन फैमिलीज के लिए ही नहीं रखा है, थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलें, थोड़ा दूसरों को भी समझने दें आपका व्यापार क्या है, क्योंकि उनके पास भी एक व्यापार है। मैं इसका मतलब ये नहीं कहना रहा हूँ कि अपना व्यापार छोड़ के उनको दे दो, उनका व्यापार छोड़ के अपना ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये कुछ लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे जिन लोग के पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कहता हूँ ऑक्सी है, उन्हीं सालों को मैं इस खास बताना चाहता हूँ। अगर आपसे लगता है कि ऑक्सी में आपकी ज़्यादा मेहनत है, जिस फैमिली को ऑक्सी चाहिए उनको खुद दीजिए, किसी टाइम स्पेसिफिक में उनको निकालने दीजिए। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, बाकी ऊपर है तो सारी चीज आप देख सकते हो। क्या गिरे मरे जा रहा है भाई ये? अरे 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 हेलो हेलो, अभी आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आ रही कहां तक सुना था आपने? आपकी ऑक्सी निकालने में तो अपने बिजनेस का आज से ध्यान रखें और किसी और के बिजनेस पे इस चीज का ध्यान ना रखें। मैं मानता हूँ कुछ लोगों के बिजनेस में अभी भी काफी काम बाकी है, कुछ लोग के बिजनेस उनके हिसाब से नहीं चल पा रहा,
मैं जानता हूँ वो सारी चीज है, मैं जानता हूँ उनका नुकसान होता है, वो सारी चीज हो रही है, बट मैं एक रिक्वेस्ट बाकी फैमिली से भी करना चाहता हूँ, जब तक वो बिजनेस सही नहीं होता है, थोड़ा आप भी उनको सपोर्ट करें, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर हियर फॉर बिजनेस, वी ऑल आर हियर फॉर अर्निंग मनी, ठीक है? अगर इन सब इलीगल व्यवसाय में पैसा नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, फिर आप लोग जो हैं या जिस चीज़ के लिए आप लोग ने इतनी मेहनत करके अपने एक रेपुटेशन बनाई है, वो रेपुटेशन सारी बर्बाद हो जाएगी। ये जो एक बंदे की हालत पे देश से करता है। और आखिरी चीज, जो फैमिलीज या जो गैंग जिनके पास कोई टर्फ नहीं है, आखिरी बार बोल रहा हूँ, चॉप शॉप आप लोग के लिए ओपन है, जो भी उस एरिया को डिफेंड कर पाएगा, जो भी उस एरिया को मेरे को सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल निकाल के दे पाता है, पस्ता पसीना, व्हाटएवर यू डू इट, वो टर्फ आपको कुछ कुछ दे दे ब्रो। और हाँ, अगली बार बहुत छोटी सी बात, आज के इंसिडेंस के बाद से मैं किसी की स्पेशल सुनवाई नहीं सुनने वाला, अगर मेरे को जो चीज लगा सामने वाले ने गलत किया है, मैं उसका एक्शन लूंगा। ये चीज और मेरे को पता चल गया, मी लिविंग गैंग, अगर आप लोग अपना टर्फ नहीं डिफेंड कर, अरे रेडियो क्या था गाइस, एक बार बोलो क्यों आवाज चला गया, आवाज चला गया, अभी आवाज चला गया, 99.12 99.12 आजू-बाजू वालों को बता दो रेडियो का फ्रीक्वेंसी। जी उसका जा रहा है भाई, तू बैठ जा एक जगह, गाड़ी में बैठ जा जाके भाई, तू हालत में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं, अभी आप फिर से मार रही है, अभी आ रही आवाज, अभी आ रही, अभी आ रही, यस। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, आपका टर्फ है, थोड़ा संभालो, क्योंकि मेरे को सुनने में आ रहा है कि कोई भी आपके नाक के नीचे से लेके चला जा रहा है, जो भी ऐसा करता है ना, मारो मत, अपने टर्फ का खौफ दिखाओ, ठीक है? और मैं एक चीज और अपडेट देना चाहता हूँ, जो रेड माफिया है, उनका बिजनेस एक दो दिन के लिए थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, तो जबरदस्ती उन पर चढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि उनका आज ही आज उनका टर्फ पीडी के द्वारा हिट हुआ है, ठीक है? तो पीडी वालों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, मेरे को नहीं पता है क्या है, आगे से आप लोग अपने टर्फ के लिए, आप लोग का जो भी एरिया है, उस चीज़ को थोड़ा ध्यान से रखें, और वहाँ पे पुलिस की हीट ना आने दें। That's it. अगर आप लोग में से किसी फैमिली को डाउट है, आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी जिनको जाना है वो जा सकते हैं।